हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैशाली कैंपस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे CBT 2 का एक्सपेक्टेड कटअप एंड एनालिसिस करेंगे चंडीगढ़ जोन का। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं कटअप की तरफ। तो दोस्तों, आप लोगों को भी मालूम होगा कि टोटल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी थी जो एलपी में आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन की 64,371, जिसमें से चंडीगढ़ की वैकेंसी थी एलपी के लिए 1308 और टेक्नीशियन में थी 3168। चलिए तो हम लोग एलपी की कटअप देखते हैं। तो एलपी की कटअप आपको बता दूं पहले कि टोटल 9 शिफ्ट में CBT 2 एग्ज़ाम हुई थी, जिसमें से कुछ शिफ्ट हार्ड भी थी, कुछ नॉर्मल भी थी, कुछ मीडियम में भी थी। तो मुझे अभी तक 2 शिफ्ट के बारे में मालूम चला है, 21 का सेकेंड शिफ्ट एंड 23 का भी सेकेंड शिफ्ट, जो बहुत हार्ड ही था दोनों शिफ्ट। तो आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, अगर इसके आसपास भी अगर इससे कम नंबर है, अगर 5 से 7 नंबर भी कम हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मैक्सिमम नंबर बढ़ेंगे। और जिसके इजी पेपर हैं तो उनके नॉर्मलाइजेशन में कम से कम नंबर बढ़ेंगे और आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे। तो वहाँ पे आप लोग इक्वल आ जाइएगा तो कोई अच्छी बात नहीं है कि हाँ मेरे अभी तक कम बन रहे हैं। तो ALP की जहाँ तक बात है, तो यहाँ पर जनरल की 65 से लेकर 71, OBC की बात करें तो 60 से 63, और SC ST की बात करें तो 55 से 62। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं टेक्नीशियन की तरफ। टेक्नीशियन की कटअप होगी थोड़ा सा ALP से थोड़ा ज़्यादा होती है, क्योंकि ALP में अभी 8 गुना साइको के लिए बुलाया जाएगा और टेक्नीशियन में कोई नहीं है। इसके बाद आप लोग मेडिकल होगा और उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आप लोग कन्फर्म रहिएगा फिर। तो टेक्नीशियन की बात करें OBC की तो 63 से 68, और SC ST की बात करें तो 56 से 60। चलिए अब PCM की बात करें, तो दोस्तों आपको पहले बता दूं कि PCM में हर जोन में रिवाइज रिजल्ट से पहले ही 15 गुना था, और रिवाइज रिजल्ट के बाद उन्होंने कम से कम 20 से लेकर 30 गुने तक लड़के को सेलेक्ट कर लिए थे। मतलब तो आप जानते हैं कि कटअप सीट तो कम ही है और लड़के बढ़ गए तो कंपटीशन तो बढ़ेंगे, इसीलिए यहाँ कंपटीशन कम से कम जाएगी तो 75 से लेकर 80 तक। और OBC की बात करें तो 72 से 76, और SC ST की बात करें तो 68 से 71। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पार्ट बी भी था। पार्ट बी में आपके मुश्किल से मान के चलिए कम से कम 30-40 से लेकर 50% लड़के तो ऐसे ही छट जाएंगे, उसमें पास होना जरूरी था। लेकिन जानते हैं कि पार्ट बी भी हार्ड पेपर आई है, तो लड़के के अभी भी रिस्पांस आ रहे हैं, मतलब सही तरीके से रिस्पांस नहीं आ रहे हैं उसमें कि हाँ मैंने सही करके आया हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं, तो कंपटीशन आपका आधा 50% रह जाएगी, और 50% में अगर जो सही से किए होंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके नंबर बढ़ेंगे। तो होप आप लोगों का अच्छे गया होगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ें तो आपका सिलेक्शन हो जाए उनका। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट अपडेट में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।